कृष्ण राधे राधे। लता हूँ किचन में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है। चलिए आज हम बनाने जा रहे हैं आप लोग के लिए मलाई मेथी, और बहुत सरल तरीके से और बहुत यूनिक, बहुत अच्छा लगेगा, आप लोग ज़रूर बना के देखिएगा। मलाई मेथी के लिए सबसे पहले हमको मेथी चाहिए, जो कि मैंने थोड़ा सा मेथी लेके इसमें नमक लगा के रख दिया है। इससे क्या है ना, कड़वापन निकल जाएगा, ये बहुत अच्छा टिप्स रहता है। अभी इसको पानी निकाल के करेंगे। अब इसके लिए सबसे पहले हम लिए हैं मटर, प्याज, लहसुन, थोड़ी सी आधी प्याली मलाई, थोड़ा सा हमने मूंगफली, टमाटर, अदरक, कसूरी मेथी और धनिया पत्ती और हरी मिर्च। चलिए सबसे पहले हम इसमें डालते हैं आपको जीरा, दो इलायची, थोड़ी सी काली मिर्च और तेज़पत्ता। इसको डाल के हमें थोड़ा सा रोस्ट कर लेना है, मतलब थोड़ा सा भुनना है, जिसमें इसमें इसकी खुशबू आ जाए। और इसमें डाल देना थोड़ी सी कसूरी मेथी, कसूरी मेथी। अब इसको क्या है, थोड़ा सा रोस्ट कर लेंगे ना, इस पर खुशबू आ जाएगी मसाले में। इस ये भुज गया हमारा। अब हम इसमें डालेंगे दो चम्मच तेल, चम्मच हमने डाल दिया इसमें तेल। ये जैसे हमारा मसाला भुन गया है, अब इसमें हम डाल देंगे थोड़ी सी अदरक, एक प्याज डाल दिया हमने, अब इसी में हमने डाल दिया इतनी लहसुन लेके, 8-10 कली लहसुन लेके डाल दीजिए, थोड़ा सा रोस्ट हो जाए, फिर इसमें हम डाल देंगे मूंगफली आधी प्याली। जब तक हम टमाटर काट लेते हैं, टमाटर भी डालना है, थोड़ा सा डाल दिए हमने हल्दी कलर के लिए, और थोड़ी सी धनिया, इसमें ज़्यादा धनिया नहीं डालना है, मेरा छोटा चम्मच है एक चम्मच भर के, थोड़ी सी लाल मिर्च, बस। अब हमारा ये हो गया है। चलिए हमारा ये टमाटर प्याज सब पक चुका है, अब इसमें हम डालेंगे दूध। ये हमने दो प्याली डाल दिया दूध, अब बस इसको पेस्ट कर बना लेंगे, ग्रेवी पीस लेंगे, फिर हम आपको बताते हैं कैसी बनी हमारी मलाई मेथी। चलिए हमारा ये जैसा कि पक रहा है, थोड़ा सा पक जाएगा फिर इसको हम ग्रेवी तैयार कर लेंगे। थोड़ी सी इसमें डाल दे रहे कलर मिर्च, इससे काफ़ी अच्छा कलर आ जाएगा हमारा। इसमें डाल देंगे थोड़ी सी पानी, थोड़ा सा पकने के बाद ग्रेवी हमारा तैयार हो जाएगा। इसमें थोड़ा सा हम डाल देंगे शक्कर, थोड़ा सा हमने छोटी चम्मच हमने शक्कर डाल दिया, हो जाता है। चलिए इसको हम पेस्ट बना लेंगे। तब तक 2 मिनट वाला ग्रेवी तैयार। तो सबसे पहले हमने जैसा कि पेन चढ़ा दिया है, अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा जीरा। देखिए मेथी हमको, हमने थोड़ा सा इसको लगा के नमक रख दिया था, थोड़ा सा मेथी डाल के रोस्ट कर देंगे। थोड़ा सा हमने मेथी डाल के इसको, आपको क्वांटिटी ज़्यादा लेना है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हैं, हमने थोड़ी सी बिल्कुल मेथी डाली है। और इसमें नमक डाल के रखने से इसका करवाहट भी ख़त्म हो जाता है। अब इसमें हम डाल देंगे एक प्याली मटर, वैसे भी ये दो जन को सब्जी हो ही जाएगा। अब इसमें हम थोड़ा सा नमक और डाल देंगे, उसमें हमने कम ही डाला था, स्वादानुसार नमक डालना है आपको। थोड़ा सा हम नमक डाल दिए, थोड़ा सा मटर पक जाता है तो इसमें हम डाल देंगे पेस्ट। चलिए मटर और हमारा मेथी हो गया है, अब हम डाल रहे हैं इसमें पेस्ट। इसमें थोड़ा सा हम पानी डाल के इसको, मलाई मेथी हमारी तैयार हो जाएगी, फिर हम आपको दिखाते हैं कैसा बना। ये हमारी मलाई मेथी तैयार। इसको ज़्यादा पानी नहीं डालते हैं क्योंकि ग्रेवी इसका फिर अच्छा नहीं लगता है। ये मलाई मेथी है ना, इसको पेस्ट थोड़ा सा, बस थोड़ा सा आपको कलर और डालना हो तो डाल सकते हैं, हमारे यहाँ कलर थोड़ा सा कमी, बच्चे लोग खाते हैं इसलिए हमने ज़्यादा नहीं डाला है इसमें। आप लोग चाहें तो थोड़ा सा कलर और डाल सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। चलो हम थोड़ी सी डाल देते हैं इसमें मलाई,
आपके पास मलाई नहीं है तो आप दही भी डाल सकते हैं आराम से, लेकिन थोड़ा सा मलाई डालेंगे तो मलाई मेथी का जो आएगा वो अलग ही आएगा टेस्ट। लोग नहीं रहता है जैसे मलाई नहीं रहता कभी कभी, तो आप लोग आधी प्याली दही डाल दीजिए। आप लोग दही नहीं, अरे मलाई नहीं है तो आप लोग दही 2 चम्मच ज़रूर डाल दीजिए। मीठी दही होना चाहिए, खट्टी नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो टेस्ट नहीं आएगा। और थोड़ा सा शक्कर ज़रूर डालिए, मलाई मेथी में शक्कर डालने से टेस्ट आ जाता है। चलिए सबसे पहले हम गैस बंद करते हैं, अब देखते हैं हमारी मलाई मेथी तैयार। वाओ क्या खुशबू आ रही है। चलिए अब निकाल के भी बताते हैं। ये तैयार हो गई हमारी मलाई मेथी। अब हमारी गौरी जी आई हुई हैं, वो थोड़ा सा टेस्ट करेंगी, फिर बताएंगी मौसी को कि आज हमारा मलाई मेथी कैसा बना है। गौरी बेटा देखो टेस्ट करो, ये हमारी बहुत प्यारी सी गौरी है, मेरी सिस्टर की बेटी है। अरे अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इंस्टाग्राम में जरूर फॉलो करिएगा। एक्चुअली बहुत टेस्टी। गौरी कैसा लगा? आपकी मम्मी भी बनाती हैं, वाह। आप हमारे साथ मुंबई आ सकती हैं। मुन्ना पास हो गया भाई। धन्यवाद धन्यवाद।